फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो मैं जा रही हूँ, ये हमारा वैक्यूम क्लीनर है, तो मैं इसे क्लीन कर रही थी, तो फिर सोचा आप लोगों को दिखा भी दूँ। एक दिन आपको दिखाया था मैंने, बड़ा वाला जो रूम क्लीनर है ये हाथ से करने वाला है। तो ये देखिए, बहुत ही ईजी है और इससे मैं क्लीन करती हूँ। इसके लिए ये बड़ा सा स्टिक दिया हुआ है, इसमें इसको लगा देते हैं। देखिए यहाँ पे इसको लगा देते हैं, लगा के फिर दिखा देते हैं। ये स्टिक लगा दिया, ये लंबा हो जाता है और ये आगे लगाने के लिए है, इसको यहाँ आगे लगा देते हैं। फिर इसको बोर्ड में लगाएंगे, इसका प्लग लगा के ऑन करेंगे। देखो क्या है, दोनों कोने से कर सकते हैं। ये ब्रश दिया हुआ है और एक ये दिया है, ये फर्श की सफाई के लिए। तो इसको निकाल के अभी मुझे फर्श भी साफ करना है, तो मैं इसको अभी लगा दे रही हूँ। और बाकी तो मैं सारे क्लीन कर चुकी हूँ, फर्श की सफाई थोड़ी सी रह गई है, बाकी तो मैं कर चुकी हूँ। आज मेड नहीं आई है, उसके भाई का एक्सीडेंट हो गया था तो वो देखने चली गई है, तो मैंने सोचा कि आज इसी से क्लीन करती हूँ। बाहर आ गई और यहाँ की क्लीनिंग मैं करूँगी। धूल मिट्टी को ये साइड का जो बाल होता है ना, तो वो इससे हो जाता है साफ। मेट तो झाड़ू ही लगाती है और झाड़ू सोधा करती है, लेकिन मैं कर रही हूँ इससे। ये स्टिक बड़ा है तो ये अंदर तक चला जाता है। क्लीन करना भी बताती हूँ, काम तो मैं बाद में करूँगी। इसको क्लीन करना भी बहुत ही इजी है, इसको आप निकाल दीजिए। एक हाथ से निकाल रही थी तो निकल नहीं रहा था, आप इसको निकाल दीजिए। और देखिए इसको दबाते हैं तो ये बाहर आ जाता है। इसमें लगी है फिल्टर, फिल्टर में देखिए
ये आ गया ना कचरा बाहर, अब इसको हम क्लीन कर लेंगे। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, इसका लिंक मैं दे दूंगी आपको। और सही है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।